ये हैरान कुन बात है, ये तो सारा काम ही खराब करके, एक तो चलो अल्लाह अल्लाह करके कोई इंटरनेशनल दौरे पे ऐसे चले ही गए हैं, तो उनको एक दिखाना चाहिए था कि अगर वो खुद भी पता नहीं समझ नहीं आई, इनको समझ नहीं आई, ये सेंस इतना तो होता है कि अगर वो फीमेल भी हैं और अगर वो आपके लिए छतरी लेके आए, एटलीस्ट आप, बल्कि ये दिखाते उसको आप छतरी में लेके जाते तो फिर पता चलता कि वो भीगे हुए जा रहे हैं, फिर एक बात बनती। जिस प्राइम मिनिस्टर ने अपनी पार्लियामेंट में खुद को भिखारी कह दिया, खुद को बैगर कह दिया, उसकी अपने मुल्क में रिस्पेक्ट नहीं कोई रही तो बाकी मुल्क में क्या रिस्पेक्ट रहेगी। पाकिस्तानी मीडिया के ऊपर वही पुराने रोने रंडी रोने हमारे लगे रहते हैं कि यार ये है ये है, मतलब बड़ी गलत मैंने वर्ड यूज किया, लेकिन दिस इज हाउ इट इज कि यार हमें कोई काम नहीं आता और हमें बस रोना ही आता है कि वो अपनी पुरानियां दुश्मनियां अपनी पुरानी भाई, सुप्रीम कोर्ट ने यह करता, जजा ने यह करता, जनरल्स ने यह कर दिया, पार्लियामेंट ने यह कर दिया, इमरान खान इस चीज़ पे रो रहा है, वो कह रहा है ये चीज़ मैनेज करो, मिलिट्री कोर्ट्स, हम किधर, हम बातें कर रहे हैं मिलिट्री कोर्ट्स की बातें, तो हमसे अगर डेमोक्रेसी की करेंगे तो हमारी कौन सी डेमोक्रेसी है भाई। उसके पीछे तो डॉलर थे भाई, मुजाहिदीन थे बनाने थे, रशिया को लड़ना था वहां पे भेजना था, बच्चे माओ के बच्चे मरवाने थे, डॉलर बनाने थे अमेरिका से, वो तो बन गए। इसके बाद मुझे ये समझ नहीं आती कि ये जो हमारे अब के अमीरुल मोमिनीन हैं, इनको क्या जरूरत पड़ गई है कि हर बात में ये कहते हैं ये सियासत नहीं जिहाद है। जरूरत है आपको जिहाद की? चल ठीक है जिहाद करो, हुर्मत के खिलाफ करो ना जिहाद यार, जहलियत के खिलाफ जिहाद करो, जो पढ़ने नहीं दे रहे हो बच्चों को। अगर कोई पढ़ा लिखा बच्चा होता, अगर आपकी कौम आज तालीम याफ्ता होती तो ये जो कायदे जो होली के ऊपर आपने बैन लगाया ये करते ही। नमस्कार दोस्तों, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री अभी फ्रांस के दौरे पर है, वहाँ पहुँचते ही बारिश शुरू हो गई, तो फ्रांस की एक औरत छाता लेकर आई पाक प्रधानमंत्री को बारिश से बचाने के लिए, लेकिन प्रधानमंत्री उस औरत के साथ छाते के नीचे चलने की बजाय छाता अपने हाथ में लेकर अकेले ही जल्दी जल्दी भाग कर चले गए और औरत भींगते हुए पीछे पीछे आई। एक औरत की इज्जत करना भी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने जायज नहीं समझा। अब दुनिया भर के लोग और मीडिया में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का मजाक बना है और औरत की इज्जत करना इनके डीएनए में भी नहीं है। सिर्फ इनको तो किसी देश से उधार की भीख मांगने से ही फुर्सत नहीं मिलती, औरत की इज्जत करना कब सीखेंगे, देखो आप लोग इस वीडियो में। तो ये एक बहुत ही कह लें कि अनरिस्पेक्टफुल बात की है हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं, उनको पता ही नहीं है कि जी आपके साथ एक फीमेल है, फीमेल को प्रायोरिटी देना इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अगर हम इस्लाम की बात भी करते हैं तो वो यही कहते हैं कि जी जो औरत के हकूक हैं इसमें हकूक की नहीं, चले राइट, सिंपल सा राइट था, आप उनसे अम्ब्रेला लें ही ना, आप चले शेयर कर लें, उनसे कहें कि नहीं मैं आपके लिए एक एक्स्ट्रा मंगवा देता हूँ, ताकि हमें भी पता चलता है कि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो पढ़े लिखे हैं, एजुकेटेड हैं, उनको पता है कि मैंने किस तरह से किसी के राइट का ख्याल रखना है। लेकिन उन्होंने वहाँ पर बिल्कुल ऐसा मुजाहरा नहीं किया, इनफैक्ट उन्होंने ये शो किया कि हाउ मच आई एम अनएजुकेटेड और मेरे क्या मैार है, मेरा क्या लेवल है और मैं यहाँ पर अपने आप को रिप्रेजेंट कैसे कर रहा हूँ। उन्होंने सिर्फ अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं किया, उन्होंने पूरे पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया कि वहाँ पर जो भी मेल हैं वो किस तरह से अपनी फीमेल्स को ट्रीट करते हैं। सित्रा, क्या वजह जब भी हमारा कोई प्राइम मिनिस्टर या सियासतदान किसी भी इंटरनेशनल दौरे पर जाता है तो इतना नॉनसेंस नॉन सीरियस बिहेव क्यों करता है? अभी रिसेंटली बिलावल भुट्टो जरदारी भी इंडिया विजिट पर गए, आपने देखा उन्होंने किस तरह वहां जाकर खुद को या पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया, क्या वजह ये वहाँ पर जाकर कहीं भी जाके बौखलाहट का शिकार क्यों हो जाते हैं? शहबाज शरीफ कैसे हटेंगे कुर्सी से, यहाँ तो ये मरेंगे तो ही जान छुटेगी, अदरवाइज पाकिस्तान में से आप भूल जाएंगे, पाकिस्तान में से जो एरिस्टोक्रेसी है वो रिमूव होगी और हम ये एक्सपेक्ट करेंगे कि पाकिस्तान में कुछ अच्छा होगा और तब तक हमें यही जिल्लत बर्दाश्त करनी पड़ेगी बाहर के मुल्कों में, स्पेशली जब हम लोग, आप बाहर के मुल्क को छोड़ दें, आप पाकिस्तान में देखिए जब फॉरनर्स आते हैं तो उनको खुद पता चल रहा होता है कि पाकिस्तान की सिचुएशन कैसी है। देखिए मेंटालिटी का डिफरेंस है, हमारे पास लैक ऑफ मेंटालिटी है, हमारी मेंटालिटी अच्छी नहीं है, उसकी मेंटालिटी अच्छी है, उसको पता है कि मैंने वहाँ पर जाकर इन्वेस्टमेंट अपने मुल्क में लेके आनी है। आप खुद देखें टेस्ला पहले भी इंडिया में लॉन्च होने वाला था ना, नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, क्योंकि टेस्ला ने अपनी बातें सामने रखी, लेकिन अब जाके लॉन्च हुआ क्योंकि उसने कहा कि ठीक है मैं आपकी बातें मानूंगा। ये चीज़ होती है, उसने उसको ग्रैब किया, उसने स्ट्रेटजी बिल्डिंग किया कि नहीं ये चीज़ है, इंडिया अपने फैसले पर अपनी बात पर कायम रहा, इसकी वजह से टेस्ला को अपना फैसला बदलना पड़ा। बिल्कुल एग्जैक्टली, ये देखिए आप डिटरमिंड हो, आपको पता है कि मैंने ये चीज़ करनी है, आपको पता है मेरे मुल्क की इकॉनमी स्ट्रॉन्ग कैसी होनी है, आप सारी चीज़ों को साइड पर रख दोगे, ये नहीं करोगे अच्छा पाकिस्तान में होली बंद करवा देते हैं, माइनॉरिटीज़ के राइट खा जाते हैं, नहीं ऐसा ना करें, ऐसा करते रहेंगे कब तक आप करेंगे, एक ना एक दिन तो आपने कवर में जाना ही है, फिर क्या करना है आपने इसका, सिर्फ आप ये बताएं वहाँ पे भी आम लेके जाने हैं, प्लीज़ ना लेके जाना। इसी हरकतों की वजह से पूरी दुनिया हमें सीरियस ही नहीं लेती,
इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की जितनी रिस्पेक्ट है हमें उतना ही जलील करते हैं, हमें उतना ही डिग्रेड किया जाता है। ये बात आपने बिल्कुल ठीक की, क्योंकि देखिए हमने अपने आप को खुद लाफिंग स्टॉक बनाया हुआ है। हम कहते हैं जहाँ भी हम लोग जाएंगे हमारा मजाक उड़ाया जाता है, और स्पेशली इंडिया में कहते हैं कि बैगर्स कान बी चूजर्स, तो फिर एक तो हम बैगर्स ऊपर से हम चूज भी करते हैं, ये सबसे ज्यादा वाली बात होती है। पहले आप अपने आप को मनवाएं, आप अपने आप को कहें कि नहीं मैं ये हूँ, मेरा ये काम है, मैंने ये चीज़ करनी है। आप अपने आप के साथ सिंसियर हो गए ना, आपकी रिस्पेक्ट होगी हर मुल्क के अंदर। नरेंद्र मोदी खुद के साथ सिंसियर है, आप खुद देख लें वो कौमी मफाद पर बहुत फोकस करता है, नेशनल इंटरेस्ट पर बहुत फोकस करता है, एंड उसकी कौम को भी पता है कि मैंने अपने मुल्क के लिए काम करना है यहाँ पर रहकर। ये तो बड़ी हैरान कन बात है, ये तो सारा काम ही खराब करके, एक तो चलो अल्लाह अल्लाह करके कोई इंटरनेशनल दौरे पर ऐसे चले ही गए हैं, तो उनको एक दिखाना चाहिए था कि अगर वो खुद भी पता नहीं समझ नहीं, इनको समझ नहीं आई, ये सेंस इतना तो होता है कि अगर वो फीमेल भी हैं और अगर वो आपके लिए छतरी लेके आए, एटलीस्ट आप बल्कि ये दिखाते हो उसको आप छतरी में लेके जाते तो फिर पता चलता कि वो भीगे हुए जा रहे हैं, फिर एक बात बनती। और जहाँ आपने नरेंद्र मोदी की बात की है वो तो उधर ज़बरदस्त उनके लिए एंथम भी लगाया गया, और उनसे आने से पहले उनकी बड़ी तैयारियाँ थी नरेंद्र मोदी साहब के लिए। नरेंद्र मोदी साहब ने उनको गिफ्ट भी दिया है, जो बाइडन को उनकी वाइफ को भी गिफ्ट दिया है। आप ये देखें कि आप हमने भी गिफ्ट दिया है ना, हमने भी गिफ्ट दिया है, ये उल्टा गिफ्ट हो गया कि वो बिल्कुल जो वुमेन की, वैसे भी अगर हम बात करें सीरियस नोट पे कि अगर वो वुमेन एक है उसकी रिस्पेक्ट वैसे भी बड़ी जरूरी है, अगर आप वहाँ कोई और भी होता उनकी जगह, ये तो मुझे बड़ी हैरान कन बात है कि इस तरह तो नहीं होना चाहिए था। मर्द भी कोई हो ना तो उसको भी पता होता है कि यार मेरे साथ एक फीमेल है और मैंने उसको छतरी देनी है, बारिश से बचानी है। खातून आपके लिए छतरी लेकर आई है आपको बारिश से प्रोटेक्ट करने के लिए, और आपने उसको बारिश में बिगाड़ दिया, छतरी ले ली। और ये देखे आगे वो बातें इतनी बन रही होती है तो फिर ये और उनको मौका दे आए, आगे तो मामला को इंटरनेशनल हमारे ठीक नहीं हो रहे हैं, तो उनको यही लगता है ना कि इनके ना सेंस नहीं है, इनको फिर यही जाहिर होता है ना उनको, वो कहते हैं हम इनसे बात क्या करें। उनको जब इतनी ही सेंस नहीं है कि हमने एक लेडी के साथ कितना चलना है, वो हर एक बात बड़ी नोट करते हैं। आप देखें बाइडन हो गया, नरेंद्र मोदी हो गए, या चाइना के भी पीएम ले लें, वो इतनी इतनी बातों को नोट करते हैं, वो उस बात से उस बंदे को पकड़ते हैं क्यों नहीं इन्वेस्टर्स आ रहे, क्यों हमारे इंटरनेशनल ताल्लुक इसी वजह से खराब हो रहे हैं कि उनको अभी अवेयरनेस ही नहीं है, इतनी अवेयरनेस नहीं है, वो आगे क्या करें। प्राइम मिनिस्टर की या हमारे सियासतदानों की नहीं हरकतों की वजह से हमें कोई मुल्क सीरियस ही नहीं लेता। वो यही बात है ना, वो समझते हैं कि इनको ना इतनी अवेयरनेस नहीं है, वो हमें मजाक में ले लेते हैं। अगर कोई हम सीरियस बात भी करते हैं ना कोई नोट पे, वो समझते हैं कि इसने थोड़ी देर के लिए किया है, इतना सीरियस ना लो इसको। नरेंद्र मोदी साहब कभी भी घाटे का सौदा नहीं करते, वो कभी भी बात ऐसी नहीं करके आएंगे कि उनके मुल्क को नुकसान हो, उनकी पर्सनैलिटी खराब हो। यहाँ जाके वो अपने फर्स्ट वो ये ना फर्स्ट इंप्रेशन लास्ट इंप्रेशन तो वो हो गया, उन्होंने पहले ही कदम पे इस तरह वो कर दिया, वो कहेंगे अब इनसे हम बात करें कि ना करें, इनको समझ आएगी कि नहीं आएगी, वो थोड़ा सा इनको करके और रफा दफा करके भेज देंगे, कहेंगे ठीक। लेकिन हमारे प्राइम मिनिस्टर आज तक जब भी किसी कंट्री में गए हैं हम लोगों ने कर्जे इमदाद इसके आगे कोई बात ही नहीं की, ना अपना कोई मसला रखा, ना किसी इन्वेस्टर को बोला कि आप पाकिस्तान में आओ इन्वेस्ट करें। डेमोक्रेसी दुनिया में सबसे पहले बड़ी डेमोक्रेसी वो इंडिया है, उनके पास एक प्रॉपर प्लान है, और वो जो चीज़ करते हैं सबसे मेन चीज़ वो इन्फ्लुएंस नहीं, जो कंट्रीज हैं उन्हें लगता है कि इन पे किसी मुल्क का इन्फ्लुएंस नहीं है। उसके बरक्स अगर हम देखे जाए तो हमारी तो सबसे पहले तो इस चीज़ की अभी तक क्लैरिटी नहीं है कि हमारे मुल्क के फैसले कौन करेगा, क्या वो पॉलिटिकल लीडरशिप करेगी या फिर हमारी एस्टेब्लिशमेंट करे। दोस्तों पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के इस घटिया रवैये के बारे में आप लोगों की क्या राय है आप लोग मुझे कमेंट कर बताना, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ ऐसी एक इंटरेस्टिंग वीडियो।